अरुण को माइक दे रहा हूं। राम जी का एक जो सीरियल में प्रसारित हुआ था वह कोई एक परिसंवाद, मैं डायलॉग्स नहीं कहूंगा, परिसंवाद सुनाने के लिए आप लोग बैठ जाइए, फिर मैं उपसंहार करूंगा, फिर तवारती होगी। परम पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन, आप सभी बहनों भाइयों आप सबके चरणों में नमन। आज मेरी बरसों की इच्छा पूरी हुई है महाराज जी के दर्शन करके, उनका आशीर्वाद प्राप्त करके। जिस स्नेह के साथ उन्होंने मुझे अपने गले लगाया और उसमें जो भाव था, जो मुझे महसूस हुआ, वो या तो माँ लगाती थी या महाराज जी ने लगाया है। महाराज जी की आज्ञा हुई है रामायण का एक परिसंवाद सुनाने की। एक प्रसंग है जो हमारी रामायण थी उसमें, कि रावण जब पहली बार भगवान राम के सामने युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो उनका सामना सभी से होता है। पहले हनुमान से भी होता है, सुग्रीव से भी होता है, सभी लोगों से होता है, पर कोई भी रावण को कुछ कर नहीं सका था क्योंकि इतने वरदान थे उनके पास। पर संध्या होते होते जब वो भगवान राम के सामने जा पहुंचे तो भगवान राम ने उनके रथ का पहिया, उनके उनकी ध्वजा, रथ की उनकी खड़क, सभी कुछ तहस नहस कर दिया। और एक पल ऐसा आया जब सदैव रथ पर चलने वाला रावण धरती पर खड़ा था, और तब भगवान राम ने उनसे जो कहा वो प्रस्तुत है। वाह रावण वाह, भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम सचमुच परम शक्तिशाली हो, परंतु कितने दुख की बात है कि तुमने अपनी ये शक्ति अधर्म के कार्यों में लगा दी और इस दुर्दशा को पहुंच गए। रावण, भक्त और ज्ञानी में अंतर होता है। भक्त चाहे मूर्ख हो परंतु हृदय का सच्चा और मन का सरल होता है, परंतु ज्ञानी तुम जैसा दुष्ट भी हो सकता है जिसे स्वर्ण अलंका के राज सिंहासन पर बैठकर भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभ रहा है। तुम्हारे जीवन में इस समय अशांति, चिंता और तड़प के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे जैसे हर दुराचारी को एक समय इस बात का आभास हो जाता है कि उसका अंत समय निकट आ गया है, और तब वो एक घायल सांप की भांति अपनी सुरक्षा के बिल ढूंढता फिरता है, लेकिन उसे कहीं सुरक्षा नहीं मिलती। वही अवस्था इस समय तुम्हारी है। तुम्हारे पाप कर्मों के विष के प्रभाव ने तुम्हारे मन की शांति को जला दिया है, और तुम उस पाप के विषैले कांटे की चुभन को छुपाने के लिए ऊंची ऊंची आवाज में बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हो, जिन्हें तुम्हारा अपना मन भी सच नहीं मानता। रावण, इसी का नाम है दुर्दशा। रावण, युद्ध जीतने के लिए धर्म और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। पार्श्विक बल और अस्त्र शस्त्रों की गिनती से युद्ध नहीं जीते जाते। तुमने एक समय लक्ष्मण से कहा था कि तुम्हारे यहां कोई नीति न धर्म की नीति होती है न युद्ध की नीति होती है, परंतु हमारे यहां युद्ध का भी एक धर्म होता है। हम निहत्थे शस्त्रहीन शत्रु पर कभी वार नहीं करते, यह है रघुवंशों की वीरता। तुम इस समय अपमानित अवस्था में, शस्त्रहीन अवस्था में केवल शत्रु की दया के कारण जीवित हो, इसी का नाम है दुर्दशा। अब जाओ,
कल फिर शस्त्र लेकर आना, और अगले दिन हम सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, अन्याय पर न्याय की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई, अनीति पर नीति की जीत हुई और असत्य पर सत्य की जीत हुई। बोल सियापति रामचंद्र की जय। महाराज जी, आज मैं तुम्हें क्या दूं? महाराज जी, आपने इतना ही दूंगा, तुम में बंद आंखों से मैंने राम जी को देखा है, और तुम मेरे छोटे भाई हो, से तुम जान के बोल रहा हूं, आप नहीं बोल रहा हूं। यदि तुम चाहोगे तो जगत गुरु रामानंदाचार्य होने के नाते मैं तुम्हें राम मंत्र की दीक्षा अवश्य दूंगा। अहो भाग्य महाराज, अहो भाग्य स्वामी। बैठे दो वाक्य बोल के फिर विश्राम। जो वाक्य अरुण जी ने आज राम जी का जो परिसंवाद सुनाया, उसका श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, प्रयाहि जानामि। बहुत अच्छे, प्रयाहि जानामि रणार्दितस्तुम। इसी का परिसंवाद सुना रहे थे, प्रवीश्य रात्रिं चर राजलंका आश्वस्य निर्याहि रथी च धन्वी तदा बलम प्रेक्षसि मे रथस्थ। और अब यह गुप्त यही बात, प्रयाहि रावण लौट जाओ, जाना मैं रणार्दितस्तुम, मैं जानता हूं तुम युद्ध में थक गए हो, जाओ प्रवेश हे रात्रिंचर राज राक्षस राज, लंका में प्रवेश करके आश्वस्त थोड़ा विश्राम करके रथ लेकर धनुष लेकर फिर युद्ध में आओ, और फिर मेरा बल रणांगण में देख लेना। मुझे यह कहने में बहुत हर्ष हो रहा है कि यह परिसंवाद मैंने ही रामानंद सागर को लिखवाया था। तो अब चलते हैं, मैं अपेक्षा करूंगा किस आयोजन के संयोजक मेरे पुत्र कल्प कृष्णचंद्र ठाकुर भी अरुण जी को मंगल आशासन देंगे। दो वाक्य